स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक मनहरूमा हार्दिक न्यानो सुस्वागतम गर्न चाहन्छु डाक्टर अलिया र सुरेश लामाको एकदमै नयाँ न्यू लेटेस्ट लाइभ भिडियो आइसकेको छ आज राति। सो कतिपय साथीहरूले कतिपय आदरणीय दर्शक महानुभावले हेरि नै सक्नुभएको छ होला र कतिपय म जस्तै निधाउनु भएर हेर्नुभएको छैन होला र सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई देश तथा विदेशमा बस्नुहुने सम्पूर्णलाई यस भिडियोमा हार्दिक न्यानो स्वागत गर्न चाहन्छु र हामी सम्पूर्णले अब यस भिडियोलाई हेर्नेछौँ र यहाँलाई के कस्तो लाग्नेछ। भिडियो अन्तिममा गएर यहाँले आफ्नो प्रतिक्रिया भने सदा चाहिँ सकारात्मक कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला भन्न यहाँलाई चाहन्छु र साथै यहाँले सदा चाहिँ माया साथ सपोर्ट पक्कै पनि दिनुहुनेछ भन्ने पूर्ण अपेक्षासहित म भिडियोलाई प्ले गर्न चाहन्छु र के कस्तो रहेको छ हामी सबैजनालाई हेर्नेछौँ न। लेट्स इन्जोय एन्ड रक डाक्टर अलिया एन्ड सुरेश लामा न्यू लेटेस्ट भिडियो साथीहरू है त। ओके गाइस हम सब सकते हैं और आप लोग प्लीज छोड़ने की बात ना करें, रहिए और एक आप एक दूसरे में झगड़ा करके मत बैठिए, एक दूसरे को रेस्पेक्ट करके बैठिए, ऐसे ही करना। सॉरी जी थैंक यू। अरे हमारा तो थोड़ी देर होती है, थोड़ी देर होती है। और फिर बस होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए। हमेशा मीठा अच्छा नहीं होता है, कभी कभी तीखा, कभी स्पाइसी, गर्म, ऐसा होना चाहिए। लाइफ में ना हर वक्त ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी कभी यार मेरी बात सुनो। ये पता क्या कहना चाहते हैं, चुपा मैं चुप। ये कहते हैं हम मतलब हमारी आपस में लड़ाई खत्म नहीं होती, एक आप लड़ाई कर लो या आप लोग क्यों लड़ाई करते हो, आप लोग तो मिलजुल के रहो यार, समझ नहीं आती यार। हम लोग आपस में लड़ाई करते हमारी हो जाती है सॉल्व, आप लोग क्यों लड़ाई करते हो मुझे बताओ। ये कहना चाहते हैं, ये कह रहे हैं अच्छा मोमो लवर बर्थडे विश। ओके हैप्पी बर्थडे मोमो लवर। मैं मुझे कह रहे मुझे यार भाई जी इतना मोमोस खाती है मैं हैरान रह गया। क्या खाओगे मेरे साथ, इसने खाया है तो तुमने भी उतने ही खाए जितने मैंने खाए। क्या खाओगे मोमोस दोपहर को, क्या मोमोस शाम को, क्या मोमोस। ओ माय गॉड इतना ओपनिंग टाइम दोपहर की 2 बजे। कितना मोमोज खाती हो हमेशा, मोमोज वैरायटी, सी मोमोज, झोल मोमोज, स्टीम मोमोज, क्या होते हैं नहीं देखे आज तक। झोल मोमोज नहीं है इसमें, झोल क्या होता है झोल मतलब उसमें ब्रश, क्या बोलते हैं यार उसको, ब्रश लिक्विड, लिक्विड इन बॉल एंड मोमोज। मैं ना खुद ही लाइक मंगवा के देखूंगी, आप प्लीज एक्सप्लेन मत करो, बहुत ही गंदा घटिया एक्सप्लेन करते हो। सूप हाँ सूप क्रेजी इन बॉल या झोल मोमोज आती है बॉल में, प्लेट में नहीं आती। नहीं सूप, ओके सूप, सूप बोला इसने, पता नहीं आई
मुझे न, पता नहीं मेरी उर्दू शायद बहुत अच्छी है, मुझे इसकी बातें समझ नहीं आती है। मेरी उर्दू बहुत बुरी है, मुझे इसकी बातें गलत समझ आती है। चलो बंद करो अब। ओके गाइस, उधर नहीं नहीं कहूंगी आई ना वो बस करना आदमी। लड़ाई करेंगे अभी बाद में, फायरिंग वगैरह, फायरिंग तो फायरिंग। यस बंद करोगे तो टॉक टू हिम इन इंग्लिश, उसको नहीं आती। हम फायरिंग करने चलते हैं गाइस। ओके थैंक यू सो मच। मर ना जाना। नहीं ना, ऐसी बात कर रहे हैं। ये जो इसने पहना है ना, मैंने पसंद किया है, क्या तुमने पसंद किया? मैंने पसंद किया है। वो पसंद तो मैंने कुछ और भी किया था, फिर उसका क्या रिजेक्ट कर मिला दिया था मुझे फ्री में। मैंने मैंने बोला था कि ये व्हाइट ले लो। झूठ बोल रहा है ये गाइस, व्लॉग है, पूरी रिकॉर्डिंग है, आप देख लो मुझे फ्री में। नहीं झूठ बोल रहा है, ड्रामा क्वीन, एटलीस्ट आई एम स्टिल अ क्वीन ना, चाहे मैं ड्रामा क्वीन हूँ, चाहे मैं जो मर्जी। क्यों म्यूट करते हो गाइस इनको? मानते तो मैं क्वीन हूँ, कचरा रानी तो नहीं हूँ, भोंकने तो नहीं आती नहीं। तो जिनको मैं नहीं जानती उनको, उनके बारे में बकवास तो नहीं करती ना। स्टिल आई एम क्वीन, चाहे मुझे ड्रामा क्वीन तो जो भी क्वीन बोलो, क्वीन तो मैं रहूंगी। क्यों वाह, व्हाट अ स्पीच, व्हाट अ जवाब दिया है, ये होती है। उधर चलो लाइव बंद करो। मैं नहीं खेल रही तुम्हारे साथ। आजा नहीं तो भी ऐसा मुझे। ओके ओके ऐसा रोक रोक लिखना बंद करो ठीक है। अभी इसकी क्लास की बारी है ठीक है। इसका सारा गुस्सा मैंने उस बंदे पे निकाल दिया, बंदी जो भी थी। यार लड़की आई कमेंट करने यार, तो दूर दूर मिनट बाद आती कहती यू आर ड्रामा क्वीन, तुम ड्रामा करती हो, यू आर क्वीन, यू आर ड्रामा क्वीन। अगर ड्रामा क्वीन ही हूँ ना, ऐसा टैलेंटलेस ऐसा कुत्ते की तरह भोंकने तो नहीं आती। वाह तो बहुत मेरा दिमाग खराब है। मेरे सामने दीवार भी आएगी ना, मैं उसको भी सुना दूंगी तो बेहतर है कि भागो लाइफ से। जबान मेरे पास कोई बात नहीं, बहुत ही गंदी चलती है। हाँ मुझे पता है। क्यों मत बोलो, यहाँ से सुनता हूँ और यहीं से निकाल लेता हूँ अंदर जाने के लिए। होती है मुझे कुछ इनको बता दो, अगर मैं चुप हूँ ना तो मुझे चुप रहने दे, वरना मेरी जबान बहुत गंदी है, इसको पता है। वो तो पता है, लेकिन दिल बहुत साफ है। जाहिर है जिसकी जबान अच्छी चलती होगी उसका दिल साफ ही होगा। जब दिल में कुछ नहीं रखेगा, जो होगा जबान से निकाल दिया। बोल सकती हूँ लेकिन कभी कभी ना बंदे की तरबियत बीच में आ जाती है, फिर बंदा बहुत गंदा फंस जाता है। अच्छा चलो चलो चलो, सबको सुने दो यार। गुड नाइट गाइस एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू सो मच। मैंने गुड नाइट बोला था तब कोई सोया था? कहाँ नहीं लगती है, ये टिक मन करो अपनी। मेरी बात सुनो, सो जाओ आप लोग, सो जाओ। बात सुनो, इतना एक लड़का मुझे मिला कल परसों ना। अच्छा मैं ना ऐसा बैठ के किसी को ना ऐसा बुरा भला कह रही थी, इतनी गंदी गालियाँ दे रही थी ना किसी को, किसी ने मेरे साथ बहुत बुरा किया ठीक है। मैं उस लड़के के सामने ना किसी को बहुत बुरा भला कह रही थी, उसको गालियाँ दे रही थी। मैंने कहा उसको शर्म आनी चाहिए, उसने ऐसा किया तो बहुत बेगैरत आदमी यार। वो लड़का इतना मासूम, वो रो पड़ा, वो कहते तुमने मुझे बेगैरत क्यों कहा। मैंने कहा मैंने तो उसको कहा तुम अपने ऊपर क्यों ले गए, इतना मासूम क्यों लेते हो। तो हाँ
नहीं बताई लेकिन बात हुई है। चलो बंद करो। चलो मरियम लव यू टू। थ्री देखो भाग रहा है, भाग रहा है। पर ये नया आईडी उर्दू वाला आईडी कौन है ये पता नहीं। ठीक गालियां दे रहे वो मेरा टॉप एमबीबी में देखो उसका मतलब हा? मेरा एमबीबी में देखो एटीएम तो नहीं है नेपाली फ्लैग लगा हुआ ना जी ना मेरा टॉप एटीएम नहीं उर्दू में पढ़ो ना क्या है ये केटीएम है केटीएम ही है हाँ केटीएम केटीएम लिखा है। चलो गाइस थ्री अच्छा ठीक है शादी कब करेगी पता नहीं यार कब होगी क्यों ये एक ही सवाल तो होगी मैं सबको बुलाऊंगी मैं ना मैं आज तक किसी ने अपना कार्ड ना टिकटॉक पर पोस्ट नहीं किया मैं अपनी शादी का कार्ड टिकटॉक पर पोस्ट करूंगी कितने लोगों ने आना आ जाओ चलो 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 बंद करते हैं ना थ्री टू वन देते हैं थैंक यू सो मच एवरीवन थैंक यू आप लोग मेरे को करो तो बैठा था आप लोग लेके बाजार लोगों तक इसको तो एहसास नहीं होता है आप लोग थकी हुए होते आप लोगों ने सोना होता है इसको तो एहसास नहीं होता है मुझे लाइव कम देखते हैं। अच्छा ओ बात करनी थी स्टूडियो का जो ओपनिंग है जो कल नहीं होने वाला है परसों होने वाला है कल थोड़ा सा टाइम इधर उधर हो गया तो रविवार है ना बीवार को रविवार को लाना था तो वो आ नहीं पाए उन्होंने परसों आना है तो परसों तक शायद आ जाए तो इंशाल्लाह तब करेंगे परसों मतलब अभी तो आज हो गया है मतलब मतलब अभी भी ही बार कब संडे मंडे ट्यूसडे थर्सडे थर्सडे फ्राइडे थर्सडे थर्सडे वीरवार नहीं भी ही बार कल मतलब थर्सडे को डेट क्या बनती है डेट क्या बनती है क्या बनती है बस वीरवार डेट डेट होता है सिर्फ टाइम और डेट ऐसा है कि अब सबको तो बुला नहीं सकते गाइस है ना जगह थोड़ी है ना तो जितने हैं थोड़ा बहुत 20 to 25 लोग होंगे शायद अच्छा 20 to 25 लोग होंगे तो बुरा मत मानना कि हमको नहीं बुलाया हमको क्यों नहीं बुलाया ऐसा मत बुलाएंगे सुन अच्छा आप लोग सुन बुलाएंगे और 5 तारीख में भी कुछ करना चाहिए सोच रहे हैं तो ये छोटा सा ओपनिंग तो थोड़े लोग आप लोग हम लाइव दिखाएंगे है ना सही नहीं आ रही है माइक लगा नहीं माइक अभी निकाल लिया मैं बोल रहा हूँ अभी आ रहे मैं बोल रहा हूँ कि क्या बोल रहा था मैं अच्छा हाँ आपका 150K सब्सक्राइबर हो गया कंग्रेचुलेशन आपको थैंक्स सो मच और आपका एक भी हम कल कट करेंगे गाइस तो मुझे कुछ याद है आपका भी यस और क्या था वो हाँ थोड़ा कम स्पेसेस के लिए थोड़ा सा 20 to 25 लोग होंगे ओपनिंग में तो सबको हम बुलाएंगे बाद में सबको उस बाद में बुलाएंगे लाइव दिखाएंगे और मैंने देखा है कोई कोई वीडियो में कि लोग कोई कोई लोग आलस फैमिली को छोड़ने वाला है कोई कहाँ आने वाला है ऐसे मैंने सुना है तो ऐसा मत करो हम दोनों सबसे बहुत प्यार करते हैं और जो अंडरग्राउंड के हमारे भाई लोग हैं
और वो भी अच्छे से रहे, मत जाइए, है ना। और आप लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया है, तो ऐसा मत करिए और रहिए हमारे साथ, और एक आपस में कोई झगड़ा ना करें, मिलते रहे एक आपस में। जो हमारे अंडरग्राउंड के भाई लोग हैं वो भी अपना दिल छोटा ना करें, और छोड़ने की ऑल इस फैमिली को छोड़ने की बात ना करें। और आप लोगों ने भी बहुत अपना टाइम दिया है, अपना सब कुछ लगाया है इस पर, तो कोई भी था? और सबका साथ और सपोर्ट तो चाहिए, है ना। एक दूसरे में झगड़ा करके मत बैठिए, प्यार से रहिएगा, है ना। सबके लिए हम दोनों दुआ करते हैं, अच्छे से रहिएगा प्लीज़।